करते, कुतुब मीनार नहीं, की हमने बात करते, खतरों में हम नहीं कहते कहा। हमारा रोजगार खतरे में, फिर हमारे घर का भारत, व्यापार खतरे में। नमस्कार, मैं अनुपुर और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। महंगाई का दोहरा झटका लोगों को एक बार फिर से लगा है। आज जब देश भर में ज्ञानवापी मस्जिद और शिवलिंग जैसे मुद्दे चल रहे हैं, तब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और उस खबर को किस तरह से ढका जा रहा है, छुपाया जा रहा है, उसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। गुरुवार को घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। जरा इस तस्वीर पर एक नजर डालिए, ये खबर दैनिक भास्कर ने छापा है। दैनिक भास्कर ने एक ग्राफ के जरिए बढ़ती महंगाई के आंकड़े बताए हैं, कौन सी चीज़ कितनी महंगी हुई है ये सब कुछ बताया है इस ग्राफ के जरिए। रसोई गैस की कीमत में 3.50 रुपये बढ़ने से दिल्ली में 14 किलो सिलेंडर का दाम 1,000 रुपये के पार पहुंच चुका है। वहीं कमर्शियल गैस की कीमत में भी 8 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इससे दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,355 रुपये हो चुकी है। इस बढ़ोतरी की बात से ही देश के सभी शहरों में घरेलू गैस की कीमत 1,000 रुपये से अधिक हो चुकी है। वाकई में इस देश का विकास तो हो ही रहा है। हम विश्व में सबसे महंगे सिलेंडर बेचते हुए विश्वगुरु भी बन चुके हैं। अब इसी हफ्ते मंगलवार को आए देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल के वित्तीय नतीजे बताते हैं कि कंपनी ने मुनाफे के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। जनवरी से मार्च के दौरान जब ये कहा जा रहा था कि तेल कंपनियों को प्रति लीटर 9 रुपये तक नुकसान हो रहा है, नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो उसी तिमाही में इंडियन ऑयल ने 6,000 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है। अब आप सोचिए कितनी बड़ी झूठ बोली जा रही है। इंडियन ऑयल देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी है, ये तो आप जानते ही हैं। देश के पेट्रोलियम बाजार में कंपनी की करीब आधी हिस्सेदारी है। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि साल 2021 से 2022 के दौरान कंपनी को रिकॉर्ड 30,000 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है, फायदा हुआ है। आज देश में महंगाई पहले ही 15 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। अगर ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ते हैं तो आप खुद सोचिए कि आने वाले समय में महंगाई किस लेवल पर होगी, क्या हो सकता है। सोचिए कि कहीं देश श्रीलंका बनने की तरफ तो नहीं जा रहा है। जब हर तरफ धर्म के मुद्दे में आपको उलझाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपको एक विशेष मुद्दे से, एक गंभीर मुद्दे से भटकाने की साजिश रची जा रही है। इस देश में रोजगार न मिल पाने की वजह से कितने युवा ऐसे हैं जो बेरोजगार हो गए, कितनों ने खुदकुशी कर ली, अपनी जान तक ले ली, लेकिन सरकार है जो कि हिंदू राष्ट्र बनाने में इतनी व्यस्त है कि रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे पर बात करने के लिए किसी के पास ना वक्त है, ना ही इनके पास कोई ज़रूरी बयान है। ना तो सरकार इस पर बात कर रही है, ना कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, ना ही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कही जाने वाली मीडिया इस पर कोई डिबेट चला रही। इसलिए अब युवा खुद आगे आकर इस पर अपनी बात रखने लगे हैं। आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगी, ये वीडियो है आज तक के डिबेट शो की। इस वीडियो को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे किस तरह से आज तक के शो में कुछ युवा मंच पर आकर कुछ सवाल पूछते हैं और भारतीय जनता पार्टी एंकर अंजना ओम कश्यप, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बोलती बंद करा देते हैं। एक युवा मंच पर आकर कहता है, सर आप ज्ञानवापी की बात करते हैं, आगरा की बात करते हैं, कुतुब मीनार की बात करते हैं, आप कहते हैं हिंदू खतरे में है, लेकिन मैं कहता हूँ मेरा रोजगार खतरे में है, मेरा व्यापार खतरे में है। और जरा सुनिए इसके जवाब में भाजपा के प्रवक्ता कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। जरा इस वीडियो में देखिए पूरा मामला क्या था। करते कुतुब मीनार की बात करते, हम कहते हैं हमारा रोजगार खतरे में, फिर हमारे घर का व्यापार खतरे में। तो वीडियो में आपने देखा क्या हुआ था। अब भर्तियों को लेकर एक युवा सवाल पूछता है कि इस बार SI की 9,000 भर्तियां आई थी, लेकिन आपकी सरकार में ये सीटें 20 लाख रुपए में बिक चुके हैं। इस पर भाजपा के प्रवक्ता बौखलाते हुए सीधे तौर पर इल्जाम को नकार देते हैं। मतलब सच से जैसे ही पाला पड़ा वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बौखला उठे, कुछ बोलने के लायक नहीं रहे। ये छोटी सी क्लिप सुनिए, इसमें देखिए किस तरह से वो बौखलाते हैं और फिर इस पर आगे और चर्चा करेंगे। अभी SI की 9,000 भर्ती आई थी जी। आपकी ही गवर्नमेंट में 20-20 लाख रुपए में कैसे वो सीटें बिकी हमारे जीवन को। सर मैं बताऊंगा सर, तो जिस तरह के सवाल इस नौजवान ने पूछे हैं, वैसे सवाल हर युवा, हर बेरोजगार को पूछना चाहिए। आज इस देश में ना मुसलमान खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है, खतरे में ये देश है, खतरे में इस देश का भविष्य है, इस देश का विकास है। खैर, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।